सबको राधे राधे। हम दूसरे ब्लॉग लेके आए हैं ऋषिकेश से, और हम लोग ऋषिकेश में जा रहे हैं। ऋषिकेश देखिए नज़ारा रोड का, और ऋषिकेश यहाँ से 10 किलोमीटर, और ये रास्ता है ऋषिकेश का, और ये एक नदी। आप लोग को पता होगा ऋषिकेश एक योगा सिटी में गिनती आता है, और ऋषिकेश का सब जगह है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से यमुना नदी, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम के लिए एक जंक्शन है। और हम लोग आए हैं अभी ऋषिकेश का ये त्रिवेणी घाट में। आप देख रहे हैं यहाँ आरती होता है त्रिवेणी घाट का, गंगा आरती करना है तो संपर्क करें लिखा हुआ है बोर्ड। और एक बाबा जो त्रिवेणी घाट के बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और हम आप लोग को दिखा रहे हैं अभी त्रिवेणी घाट, और त्रिवेणी घाट यहीं पर गंगा स्नान करने के बाद यहीं पर एक मंदिर है दुर्गा माता का और शिव जी का, यहीं पर जल चढ़ा के फिर कोई निकलते हैं जल लेके बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुना नदी, गंगोत्री, नीलकंठ महादेव भी यहीं से जल लेके जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से अब नीलकंठ महादेव निकलेंगे, बट नेक्स्ट नीलकंठ महादेव का नेक्स्ट वीडियो आएंगे। और देखिए मौसा मौसी नहा रहे हैं, मम्मी भी अब नहा रहे हैं, अब हम भी नहा रहे हैं मम्मी के साथ। स्नान करने के बाद मंदिर आए हैं पूजा करने, और मंदिर का एक खूबसूरत चीज़ आपको ये दिखा रहे हैं, फ़ोन पे का QR स्कैनर है, आप उससे स्कैन करके डोनेशन दे सकते हैं, कुछ भी दान कर सकते हैं। और उसी के साइड अब हम लोग राम झूला आ गए हैं। राम झूला यहाँ से थोड़ा दूर है, तो हम लोग यहीं पे फ़ोटो शूट हो रहा है। तो ये राम झूला के बारे में आपको हम एक बता दें, ये लंबा इसका लेंथ 229 मीटर है, और ये 1986 में बिल्ड हुआ है ये झूला। आपको ये आयरन सस्पेंशन ब्रिज है, देखिए हम लोग यहाँ पे झूला के ऊपर आ रहे हैं, देखिए ये आयरन सस्पेंशन ब्रिज है, और इसका विड्थ 6 मीटर है। और देखिए बाइक, पैदल यात्री और बाइक के लिए स्पेशली है ये। और देखिए भीड़, और ये गंगा, देखिए तीर्थयात्री ऋषिकेश में आगमन है तो आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम लोग यहाँ से राम झूला से निकल गए हैं, अब लक्ष्मण झूला के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा गौ माता लोग हैं, बाबा लोग, ये रास्ता हम लोग लक्ष्मण झूला जा रहे हैं। देखिए ऑक्स, और ये गौ सेवा सदन है यहीं पर। देखिए रास्ता यहाँ से हम लोग लक्ष्मण झूला के लिए निकल चुके हैं, और ये लक्ष्मण झूला का आसपास का मार्केट आपको दिखा रहे हैं। और ये एक बहुत सारा भेड़िक दाम बोल के हैं, तो टाइम थोड़ा हम लोग के पास नहीं था इसलिए अंदर नहीं आप लोगों को दिखा रहे हैं, रोड से ही दिखा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ लक्ष्मण झूला के पास पहुँच गए, और ये आपको ये देख रहे होंगे साइड में थोड़ा सा स्कोरिंग हो गया पानी से, तो अभी ये लक्ष्मण झूला बंद किए हैं। और लक्ष्मण झूला का लंबाई आपको बता देते 137 मीटर है, और ये 1930 में लक्ष्मण झूला बिल्ड हुआ था। ये भी आयरन सस्पेंशन ब्रिज ही है, ये लक्ष्मण झूला है। देखिए लक्ष्मण झूला अंदर, उसके ऊपर तो जाने नहीं दे रहा है, तो हम मंदिर के मंदिर से आप लोग को व्यू दिखा रहे हैं लक्ष्मण झूला का। और ये ब्यूटीफुल मोमेंट देखिए, ब्यूटीफुल यहाँ का ये क्लाइमेट देखिए। और ये मंदिर, ये लक्ष्मण झूला के पास है, 12 तल्ला मंदिर है। और ये नाइट का हम लोग दिखा रहे हैं आपको यहाँ राम झूला के पास। हम लोग आ चुके हैं यहाँ परमार्थ निकेतन, और यहीं पे एक आरती होता है, मगर लेट हो गया, हम लोग 8:30 बजे आए, तो यही है परमार्थ निकेतन का गेट। और ये देखिए बजरंगबली, बहुत बड़ा बजरंगबली है यहाँ पे, ये साइड में मंदिर। और अब ये, और ये देखिए ये वॉल में बहुत अच्छा खूबसूरत डिजाइन से महाभारत का सारा स्टोरी लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, लाइक, शेयर, कॉमेंट। राधे राधे।